दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चाणक्य की नीति आज भी यदि प्रासंगिक है तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है कि हर दौर के व्यक्ति की बात ये नीति हमको बताती है, और यही कारण है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी चाणक्य की नीति की बातों पर लोग आज भी अमल करते हैं और करते रहेंगे। दोस्तों अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। चाणक्य की नीति सही मायने में लोगों को सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों चाणक्य जी के अनुसार सफलता का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जो हर प्रकार के अवगुणों से मुक्त है। झूठ, क्रोध, अहंकार, लोभ, धोखा देने वालों और दूसरों की निंदा करना आदि अवगुण वाले व्यक्ति का स्वयं लक्ष्मी जी त्याग कर देती हैं। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में लक्ष्मी कृपा के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि दोस्तों आप जीवन में ये गंदे काम करते रहे तो यकीनन कभी आप सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों कौन से वो काम हैं जो आपको एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों चाणक्य जी ने सबसे पहली बात बताई है कि अपनी शक्ति का प्रयोग कमज़ोरों पर ना करें। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग पद और प्रतिष्ठा का गलत लाभ उठाकर कमज़ोर व्यक्तियों को सताते हैं या उनका अपमान करते हैं या दोस्तों उनका हक मारते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी जी कतई पसंद नहीं करती हैं। आगे चलकर इनको कष्ट अपयश ही मिलता है और ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों आगे आचार्य चाणक्य जी बताते हैं लोभ बर्बादी का कारण है। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दूसरे के धन का लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों जीवन में धन सिर्फ परिश्रम से मिलता है, बिना परिश्रम मिला धन लंबे समय तक नहीं रुकता है। ऐसे में जो लोग लालच करते हैं वे संतुष्ट नहीं होते हैं। लोभ के साथ कई अवगुण भी आते हैं और लालच करने वालों को लक्ष्मी जी की कृपा कभी नहीं मिलती है। दोस्तों आगे आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि ऐसी संगत को जल्द ही छोड़ देना अच्छा है। चाणक्य की नीति के अनुसार व्यक्ति को विद्वान, वेद के जानकार और धर्म का पालन करने वालों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि गलत आदतों में शुमार लोगों का साथ माँ लक्ष्मी बहुत जल्द छोड़ देती है। इसलिए दोस्तों जीवन में सफलता के लिए गलत लोगों की संगत तुरंत छोड़ देनी चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी हमें बताते हैं कि अपने धन के महत्व को समझें और इससे आपको लक्ष्मी जी आशीर्वाद देगी। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी धन लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए, इसे सहेज कर ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी की कदर नहीं करने वालों से यह हमेशा के लिए रूठकर चली जाती है। और दोस्तों अंत में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मदद के लिए सदैव तैयार रहें। चाणक्य नीति के अनुसार आप अगर सक्षम हैं तो हमेशा किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का सहयोग करने से आप पर भी हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको आचार्य चाणक्य जी के बहुत ही अनोखे और अद्भुत ज्ञान के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।